हाय फ्रेंड, आई एम ज़रक्शाह ज़ेब और आप देख रहे हैं ज़रक्शाह ज़ेब टेक्स। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप पिक्सआर्ट में फेसबुक कवर फ़ोटो कैसे बना सकते हैं। तो काफ़ी दिन से एक फ्रेंड की डिमांड आ रही है कि भाई पिक्सआर्ट में फेसबुक कवर डिज़ाइनिंग के साथ बनाओ या मतलब इसका ट्यूटोरियल अपलोड करो। तो मेरे पास टाइम नहीं था, मैं थोड़ा सा बिज़ी था, आज मैं फ्री हूँ इसलिए मैं ये वीडियोज़ बना रहा हूँ। अगर किसी को पिक्सलैब का ट्यूटोरियल चाहिए या फोटोशॉप से इसी तरह फेसबुक कवर, फेसबुक पेज एंड फेसबुक ग्रुप डिज़ाइन के साथ बनाने हैं या सीखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए आज का ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने करना है कि आपने पिक्सआर्ट को ओपन करना है और यहाँ से बैकग्राउंड वाइट ले लेना है और आपने टूल्स वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ से आपने क्रॉप वाले ऑप्शन में आ जाना है। यहाँ से आपने करना कि आपने फेसबुक कवर पे क्लिक कर देना है तो ये खुद ब खुद कट जाएगा, फेसबुक कवर हो जाएगा। अब आपने करना कि आपने ऐड फ़ोटो पर क्लिक कर देनी है। ऐड फ़ोटो पर क्लिक करने के बाद आपने वो पिक ले लेनी है जिसको आपने यहाँ पर ऐड करना है। ठीक है, पिक मैंने ले ली है, आप अपनी मर्ज़ी से फ्रेंड कोई भी पिक ले सकते हैं। जैसे कि पिक मैंने ये वाली ले ली है, अब आपने इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने करना क्या है, आपने ड्रा वाले ऑप्शन में जाना है, ड्रा पे क्लिक करनी है। फ्रेंड आपने ड्रा पे क्लिक करने के बाद आपने इस प्लस पे क्लिक कर देनी है। प्लस पे क्लिक करने के बाद आपने इस शेप वाले ऑप्शन पर क्लिक करनी है और यहाँ से आपने फिल पर क्लिक कर देनी है। फिल पर आपने क्लिक करके ओके कर देना है और आपने कुछ इस तरह से शेप सेलेक्ट कर लेनी है। शेप सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे लगा देनी है इसे। आप जितना भी चौड़ा रखना चाहें आप फ्रेंड रख सकते हैं, आराम से आप कर दीजिएगा। प्लीज़ जो मेरे चैनल पे नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें और लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आपने करना क्या, आपने इसकी ओपेसिटी कम कर देनी है फ्रेंड, तकरीबन आपने 40 पे इसकी ओपेसिटी कर देनी है। 40 पे ओपेसिटी करने के बाद आपने इसको ओके कर देना है। ओके कर दिया, अब आपने करना क्या है, आपने फिर ऐड फोटो पे क्लिक करना है और यही सेम पिक ऐड करनी है। यही सेम पिक ऐड करने के बाद आपने करना क्या फ्रेंड, आपने यहाँ पे शेप वाले ऑप्शन में आ जाना है। शेप वाले ऑप्शन में आने के बाद आपने कोई भी इस पर काफ़ी सारे देखना डिज़ाइन है, लेकिन मैं ये वाला डिज़ाइन लूँगा, ये डिज़ाइन मुझे बहुत पसंद है। तो आप कोई भी सर्कल ले सकते हैं, कोई भी डिज़ाइन आप अपनी मर्ज़ी का चॉइस कर सकते हैं, दे सकते हैं, लेकिन मैं ये वाला डिज़ाइन लूँगा फ्रेंड। ठीक है, तो मैं इसको ओके कर दूँगा। ओके करने के बाद आपने करना क्या फ्रेंड, आपने इसको यहाँ पे लगा देना है। ठीक है, इसको कुछ इस तरह से आपने सेट कर देना है। सेट करने के बाद आपने इसको यहाँ पे लगा देना है और इसको ओके कर देना है। आप यहाँ से भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, मतलब है आप यहाँ से अगर टेक्स्ट लिखना चाहें तो आप यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हैं, वेलकम टू वगैरह लिख सकते हैं, लेकिन आपको पिक्सलैब से इजी रहेगा। आपने सेव इस पिक कर लेना है फ्रेंड और पिक्सलैब वाला फोल्डर, पिक्सलैब वाला ऐप आपने ऑन कर लेना है और यहाँ पे आपने करना कि आपने YouTube थंबनेल कर लेना है और टेक्स्ट को डिलीट कर देना और इसको इंपोर्ट कर लेना है। आपने इंपोर्ट कर लेना है और यहाँ पे आपने करना क्या है, ठीक है, आपने कुछ इसे इस तरह से सेट कर लेना है। अभी आप फेसबुक कवर ही कर लें, थंबनेल अभी नहीं करें, आप फेसबुक कवर ही करें। थंबनेल कर लें आप, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। अब आपने टेक्स्ट लिखना है, ठीक है, कोई भी आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिखूँगा वेलकम टू माय प्रोफाइल। इस पर मैं जो फॉन्ट लगाऊँगा, फॉन्ट का नेम है अनंदा एससी बोल्ड इटैलिक। ठीक है, आपने यहाँ पे स्ट्रोक को ऑन करना है, स्ट्रोक वन पे लगानी है और आपने वाइट कलर में लगानी है और वन पे लगानी है और शेडो को ऑन कर लेना है। शेडो को ऑन करने के लिए आपने इस ओपेसिटी आपने 60 पे कर लेनी है और जो ब्लर है ये आपने रखना है 5 पे, ऑफसेट X1 ऑफसेट Y1 और पैडिंग कर लेनी है आपने यहाँ से, किधर के यहाँ से पैडिंग भी आपने करनी है लेफ्ट राइट। ठीक है, और आपने कलर इसका जो है ना वो फ्रंट ब्लैक कर लेना है। ब्लैक करने के बाद आप साइज़ जितना भी आप ज़्यादा रखना चाहें, कम रखना चाहें आप रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं 45 पे ही रखूँगा और इसको आपने यहाँ पे लगा देना है। ठीक है,
यहाँ पे लगाने के बाद आपने करना है कि आपने इसकी कॉपी करनी है और यहाँ पे आप कोई भी नेम लिख सकते हैं फ्रेंड अपनी मर्ज़ी से। मैं लिखूँगा उस्मा बलोच, ठीक है, आप कोई भी लिख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, आप अपना नेम लिख सकते हैं, लेकिन इस पर फंट चेंज आपने कर देना है। फंट का नेम है अकबाल, ठीक है, बाल फंट का नेम है, और इसका साइज़ आपने बढ़ा लेना है कुछ बड़ा, कुछ इस तरह से आपने सेट कर लेना है। यहाँ पे करने के बाद आपने करना कि आपने कलर इसका जो है ना वो चेंज कर लेना है। इसका मैं यहाँ पे रेड रखूँगा और इसको मैं यहाँ पे येलो कर दूँगा, आप कोई भी रख सकते हैं। फिर इसकी आपने कॉपी करनी है, कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे कुछ भी लिख लेना है, जैसे कि मैं लिखूँगा फोटोशॉप CC डिज़ाइनर, ठीक है। यहाँ पे लिखने के बाद आपने फंट चेंज कर देना है, फंट का नेम है इन्वर्जियन, ठीक है, तो ये आपने लगा देना है। कलर आप कोई भी रख लें, ब्लैक रख लें, वाइट रख लें, सॉरी वो मैंने लॉक नहीं की हुई थी, थोड़ा सा मसला बन गया। और आपने यहाँ पे रख लेना है, आपने साइज़ कम कर लेना है। साइज़ कम करने के बाद आपने यहाँ पे लगा देना है, और ये जो वेलकम को यहाँ पे लगा देना है, और उसमें को यहाँ पे लगा देना है। तो फ्रेंड आज का हमारा यही था ट्यूटोरियल। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।